आज मैंने तेल लगाया मैं बदल जाता है क्या मम्मी क्या बोली हो मम्मी तुम तो मतलब अगर तुम गंदी लग रही हो तो मतलब तुम गंदी दिखती हो यार आज बहुत ज्यादा गंदी लग रही हो एक मिनट हम कुछ अपने से नहीं बोल रहे हैं वो क्या बोली कि आज वो तेल लगाई है तो गंदी दिख रही है कुछ भी तुम बोली कि तेल लगाने से मुंह थोड़ी ना बदलता है तो अगर इसको गंदी लग रही है और तुम बोल रहे हो तेल लगाने से मुंह नहीं बदलता है इसका मतलब ये मतलब ऑलरेडी गंदी है हम कुछ नहीं बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों के जो है मैं डिकोड कर रहा हूँ पूरी बात गाइस आप लोग को नहीं पता तो मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं उसकी चीजें अभी से चालू कर रही हूँ मतलब क्या कर रही है मैं नायका पे देख रही थी जरा प्रोडक्ट्स गाइस इनको बोले मेरा बर्थडे आ रहा है तो इस टाइम वील डू समथिंग स्पेशल बिकॉज़ मैं 20 इयर्स की हो रही हूँ आई एम कंप्लीटिंग 20 एंड मेरा कंप्लीट हो गया 20 साल इसको झेलना हो जाएगा जब भी इसका बर्थडे आएगा तो ये 20 की हो जाएगी सितंबर में तेरा बर्थडे मेरे को याद है चल डेट बताओ सब चीज अभी नहीं बताते हूँ तुमको डेट याद नहीं बोलूंगा मेरे बर्थडे का अरे है सितंबर में ही है इसका बर्थडे मेरे को डेट भी याद है मैं बता नहीं रहा हूँ बस बताओ चलो क्यों बताएं नहीं मतलब क्यों बताएं क्यों बताऊं इसकी बात क्यों सुनूं बात खत्म 20 इयर्स ऑफ मी जेलिफाइंग फ्रेंडशिप अच्छा और गुड्डू मम्मी बोले तो तुम्हारा 24 साल जितना भी एज कंप्लीट होगा उतना इयर्स ऑफ हर जेलिफाइंग यू तो क्या हो गया माँ है मेरी एक्चुअली झेल रही है मम्मी तुम हमको झेल रही हो आज सच बता दो मम्मी तुम हमको झेल रही हो कभी तो नहीं माँ अपने बच्चों को कभी झेलती है नहीं नहीं भैया एक के तो डायमंड है मेरे पास और ये बोल दे कि तुम हमको 28 साल से झेल रही हो नहीं कोई भी नहीं हम तो बोल रहे उठ के इसके एक पड़ाका मार दो आज भगवान का बहुत आभार है कोटि कोटि आभार है कि माता रानी ने इतना अच्छा औलाद दिया मुझे गाइस देखे मैं इसलिए बोलता हूँ प्रिंसी मेरे से जलती है देखो मम्मी ने थोड़ा तारीफ क्या कर दिया इसका मुंह ऐसा हो गया कलर चेंज हो गया अब जो जलते हैं उनके लिए गाइस क्या करते हैं कुछ नहीं प्रे करते हैं कि इनका जलन कम हो और मैं तो जो जलता है उसको और जलाता हूँ मम्मी एक और बार बोली वाला डायलॉग 100% एक बार क्या 1000 बार बोलूंगी भाई कि मेरा आज प्रिंसी तो मैं जालूंगी क्यों वो मुझे भी वही बोलती है मैं भी उनके लिए डायमंड हूँ अब मेरे लिए सच बोलती है इसका दिल रखने के लिए बोलती है फर्क है ना कितना बोल रहा तो ऐसा कुछ नहीं है देखो यस सबको दिख गया कमेंट करके देख कमेंट में सब लिखे प्रिंसी जलो मत हम दोनों सितंबर वाले हैं हम दोनों वर्गो है मतलब हम लिब्रा है अपने साथ तो जोड़ना भी अरे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी वर्गो लिब्रा है फिर भी मैं सैजिटेरियस हूँ 22 के बाद चेंज होता है इतना अक्कल है तुमको यही होता है प्रिंसी ठीक है ना मेरा ध्यान नहीं था स्मार्ट नॉलेजेबल होने में और ओवर स्मार्ट होने में देखो चुप रहो क्या बोली वापस बोलो वापस बोलो एक बार और बोलो एक बार अच्छे से बोलो क्या बोली अरे भैया मुंह खोलना तुम लोग घेर लेते हो मुझे एक बार बोलो तुम प्रिंसी को क्या बोली हो प्लीज प्लीज अब तो बोल दियो देख ठीक है हम वो जो अभी बोली है उसको 4 बार अभी इधर लगाएंगे गाइस ये देखिए मम्मी क्या बोली है चुप रहो कितने बुरे हो यार कितने बुरे हो ऑफिशियली मम्मी भी अब प्रिंसी को बोल दी है कि तुम डम हो ना नहीं इन जनरल बेस देखो बहन है अच्छी है नो डाउट प्रिंसी मगर प्रिंसी डम है सबको पता है ना इसको पब्लिक बेवकूफ बना देता है एक बार नहीं कई बार हो चुके फिर भी नहीं सुधरते कितना समझाओ इसको तोते की तरह समझाओ मगर नहीं ना हम लोग कैसे समझे हम लोग को कैसे समझाए तुम लोग हम लोग इतना मार खाए रहेंगे बचपन में मैं इतना मार खाया रहूंगा मतलब अल्टीमेट लेवल प्रिंसी कोई नहीं होता है यार बाकी चीजों में प्रिंसी अच्छी है हाँ ऑफ कोर्स हर चीजों में मैं अच्छी हूँ बस मैं मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की हेल्प कर देनी चाहिए तो मैं कर देती हूँ फिर वो थोड़ा भारी पड़ जाता है वो बात अलग है नहीं ये सब नहीं है हेल्प करना अच्छा बात है ये सब में तो चलो तुम ठीक हो ठीक हूँ नहीं अच्छी बात है हेल्प करना अच्छी बात है वैसे अच्छी है मगर जब दिमाग में आता है प्रिंस एक्सेप्ट कर लेने का लाइफ में चीज पर क्यों मैं हुई नहीं
चुप रहो, मम्मी को बोल रहे हो मम्मी झूठ बोल रही है। अरे नहीं, वो एक इंसिडेंट के वजह से बोल रही है, जो कि हाँ जो मैं थोड़ा एक थोड़ी नहीं कितना हुआ है, फिर भी नहीं सुधरती है। छोड़ो ना, क्या बोलने का। प्रिंसी, ए प्रिंसी, प्रिंसी कितनी स्मार्ट है मेरी बहन। ठीक है यार, कल राम अंकल क्या बोले जल्दी से बताओ। गाइस मेरा फोन हो चुका है थोड़ा खराब, वो वाटर डैमेज हो गया था ये सब, तो अभी मैंने पापा को वही बोला कि देखते अभी फ़ोन मतलब फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तो कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, तो देखते पूछते इसको देकर नया लेने पे कितना मिलेगा। तो पापा मेरे को बोले कि हाँ ठीक है, बट एक बात तो है कि तू लापरवाह बहुत है, क्यों तूने अपना फ़ोन बहुत जल्दी ख़राब किया। आज लाइक पापा मैंने ज़बरदस्ती थोड़ी क्यों, बस हो गया मुझसे जो कि गलत है। अभी पापा भैया भी वही गुड्डू मम्मी को बोल रहे थे कि मेरे से कितना बाद ली थी फ़ोन, फिर भी ख़राब कर दी। एकदम ख़राब नहीं हुआ है गाइस, तो यूज़ करो फिर, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ एकदम ख़राब होना है वो, फिर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसमें तो मैं मानता हूँ लापरवाह तो है। चलो डम वम का तो चलो हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, डम तो नहीं है, थोड़ी सी है, इतनी नहीं है। गाइस ये मैं अग्री करती हूँ कि मैं थोड़ी सी डम है। और इतनी सी लापरवाह, इररिस्पॉन्सिबल। जाओ खरीदो फोन, क्या हो गया, और कुछ नहीं। वो तो दिख गया, सबको दिख गया। क्या लिखना है कमेंट में, प्रिंसी जलो मत। मैं मम्मी को बोली कि मम्मी मेरा फोन ऐसे ऐसे हो गया तो अभी कुछ करना पड़ेगा, वरना फिर फोन के प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगे तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो मम्मी बोलती है तो ठीक है ना, लेकर कोई नॉर्मल फोन ले ले। मैं बोली मम्मी तुम आईफोन से नीचे जाने मुझे कैसे बोल रहे हो। बोलती क्या रखा है तेरे आईफोन में। बोली फोटो मम्मी। बोलती क्या कर ली तू फोटो के साथ, क्या कर ली तुम फोटो के साथ बताओ। मैं बोली मम्मी यही इशू है, इशू है इन लोगों का। अभी मेरे को बता, पूछती है आईफोन 15 कब लॉन्च हो रहा है। नहीं मैं क्यों पूछी, ताकि पूछी क्या, मेरे क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्योंकि मैं उसके पहले अपने फोन का फिर कर लूंगा ना, मेरे को कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी मेरी फोन की। मैं इसलिए पूछी तुमको कि 15 कब लॉन्च हो रहा है, ताकि मैं उसके पहले अपने फोन का अपना अपने को चुप रहो। हम अपने फोन की बहुत ध्यान से बोलते ना हिफाजत करके रखते, इससे पहले लिया हूँ और एकदम टच वुड अब तक एकदम सब सही है, कुछ इशू नहीं होता है। और अभी मेरे को थोड़ा इस फोन को नजर उतारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा स्लाइट ऐसा लग रहा है किसी की नजर लगने वाली है मेरे फोन पे। फोन ऐसे कवर से निकाल दिया, लेकिन इतना शाइन क्यों कर रहा है। मेरा फोन शाइन कर रहा है, तो अब मेरे को थोड़ा तो नजर लगा हटाना पड़ेगा अपने फोन से, नहीं तो किसी का नजर लगेगा। तो सबसे पहले मैं पहुंचूंगा इसके घर पे, इसको लगाऊंगा दो लाफे मजबूत वाले, और फिर मैं जाके फोन बनवाऊंगा। क्योंकि अब अगर मेरे फोन को कुछ हुआ तो मेरे को पता है किसके वजह से होने वाला है। यार सच्ची गिरना गिरना मत भाई, बना होते रोज़ ऐसे मेरे को। और अगर गाइस फोन गिरा ना, मैं उसका व्लॉग जरूर डालूंगा। समझ जाना बस, बिना बोले समझ जाना किसके वजह से गिरा है। मेरे को सुनाएंगे ताकि लाफा मारने का मौका। ये देखो तुमको क्या लग रहा है, तुम इतना वैल्यूएबल हो कि हम 1.5 लाख का फोन गिरा के अपना तुमको लाफा मारे। लाफा मारने में तो ये ऐसे ही दे सकता हूँ मैं। लेकिन आई स्वेयर आईफोन जब खरीदना है महंगा नहीं, उसको मैनेज करना भी बहुत है। नहीं अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो ना तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो कुछ ऐसा इशू नहीं है। कौन बोला था स्विमिंग पूल में फोन लेके कूदने को। गाइस कोई नहीं कूदा था, लेट मी जस्टिफाई। अब हो गया बस हाथ दुख रहा है ये वाला मेरा गाइस, ये वाला हाथ दुख रहा है बस हो गया। स्कूल में थे एंड मेरी एक फ्रेंड हमारा फोटो खींच रही थी, और मेरे एक दूसरे फ्रेंड को पता नहीं था उसके हाथ में फोन है, उसने उसको धक्का दे दिया पूल में, मेरे फोन के साथ वो पूल के अंदर। प्रिंसी में एक बहुत अच्छी चीज है। क्या है प्रिंसी में एक बहुत अच्छी चीज, कि प्रिंसी झूठ नहीं बोलती। यस थैंक यू गुड्डू मम्मी, तू हंस रहे हो। हां ये मेरी मम्मी भी बोलती है कि एक अच्छी चीज है कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। प्रिंसी झूठ नहीं बोलती। अगर हम इसका 3 झूठ बता दे तुम लोगों को अभी के अभी। अब वो भाई बहन में झूठ होता है। आ गया ना झूठ, आ गया ना झूठ। क्या झूठ भाई, लेकिन 3 झूठ गिना सकते हैं हम। हां मुझे गिनाओ पहले कान में। क्यों कान में, कि फिर सब जनता के सामने जाएगा। झूठ भाई, कोई झूठी नहीं है। 3 झूठ है गाइस मेरे पास इसके, 3 झूठ। नहीं इम्पॉसिबल। तो मैं बोलूं सबके सामने? नहीं मुझे बोलो कान में। देखो अगर कोई झूठ नहीं बोलता इंसान तो बोलता हां बोलूं ना, मैं झूठ बोलती ही नहीं हूं। तो मैं बोलूं सबके सामने तो मुझे बोलो। एग्जैक्टली माय पॉइंट, मतलब तुम झूठ बोलते हैं। मूवी देखने में भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी अपने को इंटरेस्ट है छोले चावल खाने में। रिंसे क्या स्टार मार्केट क्यों छोड़े तेरे को, क्यों? मम्मी वहाँ पे है। तो मैं यहाँ से पैदल नहीं जा सकती। तो रिक्शा से जाओ। नहीं रिक्शा से नहीं जाऊंगी। तो आप स्कूटी है तो छोड़ो। 30 रुपये दे रहे तो रिक्शा दे दो। नहीं
अरे स्कूटी आ गया तो थोड़ा तो यूज कर सकते हैं ना उसका, तो तुम अपने लिए ही करते हो ना, घर वालों के लिए भी तो यूज होना चाहिए। गुड्डू मम्मी अभी बोली पापा को बोल छोड़ेगा, मम्मी का नाम मत ले। गुड्डू मम्मी तुम नहीं बोलियो पापा को बोल छोड़ेगा करके। अरे यस मम्मी ने उधर से बोल दिया कि नहीं मम्मी ने नहीं बोली है। आज मम्मी मेरे टीम में, पता नहीं कैसे यार, मैं बहुत अच्छा लग रहा है जब मम्मी अपने टीम में आती है ना, एक नंबर मजा आ जाता है। आज प्रिंसी का दो तीन बार तो मम्मी पोपट काट दी है। क्या हो गया, आ जाओ प्रिंसी, आओ 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 ना, आज मम्मी मेरे टीम में है गाइस। यस तुम इसको बोले थे नहीं? यस मम्मी थैंक यू, मम्मी लव यू। एक बार कैमरा भी बंद करो ना, तुरंत हां निकलेगा। गुड्डा मम्मी नहीं बोली थी तुम? आज मम्मी मेरे टीम में यार, मम्मी थैंक यू सो मच। तुम नहीं बोली थी, इधर आंखों में आग डालकर देखकर बोला। अब बोले कि बारिश होने लगेगा और जाएगा ही नहीं, एकदम सही मम्मी बस पहुंच गई। चलो यार बारिश, देखो बारिश चालू हो जाएगा, इसलिए हमको जाना है, इसलिए हमको नहीं जाना है, भीग जाएगा, इसलिए हमको नहीं जाना है। फट से ड्रॉप करेंगे, यूटर्न लेकर रूम जल्दी जाएंगे, जल्दी चाबी तो लेने दे। सॉरी, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। देख सामने दिख रहा है। सॉरी वो मेरा हाथ खींच गया, सॉरी। जल्दी बैठो, अगर बारिश आया प्रिंसी और हम भीगे, नेक्स्ट टाइम प्रिंसी घर पे आए उसकी सुताई तो डेफिनेटली करूंगा मैं। चलिए अभी चलते हैं। कर दिया हूँ प्रिंसी को ड्रॉप गाइस, और अभी बस नहाऊंगा, मंदिर जाऊंगा, क्योंकि आज सैटरडे है। और ये ब्लॉग यहीं खत्म करता हूँ, कि एक्चुअली मेरा आज प्लान ही नहीं था यार ब्लॉग शूट करने का। प्रिंसी तो बहुत टाइम से आई थी, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर हम लोग ऐसी मस्ती मजाक करने लगे, तो मैं कहा चलो शूट कर लेता, अगर कुछ अच्छा निकला तो आप सभी को दिखा दूंगा। तो बस यही था हमारी मस्ती मजाक, और इस व्लॉग के लिए इतना ही। बस अभी एडिट करूंगा थोड़े टाइम में और कल डाल दूंगा, तो आप सबको कल देखने मिल जाएगा ये व्लॉग। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।